हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक बुल क्रिप्टो किंग चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके एक रेलवे का ऐसा शेयर लेके आऊँ जिसके अंदर दो लेटेस्ट न्यूज़ आई हैं। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी है। और दोस्तों सेकंड जो न्यूज़ है वो ICICI सिक्योरिटीज़ का उनका ब्रोकरेज फर्म का टारगेट। जी हाँ दोस्तों, दोनों न्यूज़ का आज आपको बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे, साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, यानी रेलटेल कंपनी के बारे में। इसका करंट प्राइस 100.50 रुपये का चल रहा है और दोस्तों आज इस शेयर में 6.5% की तेज़ी देखने को मिली है। दोस्तों शेयर में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हमको आज के दिन में देखने को मिल गया है, वो दोस्तों क्योंकि शेयर में बाय कॉल रेटिंग देते हुए इनकी न्यूज़ भी आ गई, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया 224 करोड़ रुपये का, वो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। बात करें इसकी 5 डे की रिटर्न की, दोस्तों शेयर ने हमको 16% रिटर्न दे दिए। और बात करें 1 मंथ के रिटर्न की, तो दोस्तों 14% शेयर में हमको देखने को मिली है। आप दोस्तों आप देख सकते हो ग्राफ को अचानक से तेज़ी में देखने को मिला है। पिछले 1 महीने में शेयर में जो तेज़ी आई 31 मार्च से आई है और दोस्तों लगातार तेज़ी ही देखने को मिली है। 6 मंथ्स की बात करें तो गिरावट देखने को मिली है। आप देख सकते हो दोस्तों 24.5% की गिरावट हमको शेयर में देखने को मिली है। अगर दोस्तों बात करें 1 साल की रिटर्न की, दोस्तों 19% की गिरावट हमको फिर से इस शेयर में देखने को मिली है। दोस्तों ये शेयर 5 अप्रैल 2021 को 124 पर ट्रेड कर रहा था, जो कि आज 100 रुपये पर आ चुका है। और दोस्तों बात करें 5 साल की रिटर्न की, तो दोस्तों उसमें भी हमको गिरावट ही देखने को मिली है। अब दोस्तों ये जो 1 साल की और 5 साल की गिरावट है, उनका जो मेन रीज़न हो सकता है वो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगना, और दोस्तों जिसकी वजह से जितनी भी ट्रेन हैं उनको कैंसिल कर दिया गया था, और दोस्तों डेली कोई ना कोई ट्रेन अभी भी कैंसिल हो रही हैं, जिसकी वजह से इनके शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों अब कोरोना वायरस की थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम सिचुएशंस कम होती जा रही हैं, जिसकी वजह से जो ट्रेन हैं उनमें और ज़्यादा फैसिलिटी होने को मिल रही है और कंपनी भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर रही है। बात करें दोस्तों मैक्सिमम रिटर्न्स की, तो दोस्तों इस शेयर को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लिस्ट हुआ मार्केट में। ये शेयर 26 फरवरी 2021 को लिस्ट हुआ था मार्केट में, जब 121.35 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, और दोस्तों ये घटकर 100 रुपये पर आ गया है। गिरावट तो हमको शेयर में देखने को मिली है, लेकिन कुछ खास गिरावट इतनी नहीं है। दोस्तों ये शेयर वापस इंक्रीमेंट में आ जाएंगे। अगर दोस्तों बात करें इस कंपनी के मार्केट कैप की, तो 3,230 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। और दोस्तों इसका 52 वीक्स का लो 84 रुपये तक का जा चुका है, और जो हाई है वो 164.60 रुपये तक का जा चुका है। यानी दोस्तों इसका शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अभी ये अपने खुद के हाई रिटर्न से करीब 60 रुपये पर शेयर के हिसाब से गिरावट में चल रहा है। इसलिए दोस्तों इसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस टाइम पर इसमें मौका है। अगर दोस्तों इस शेयर को मैं IRCTC शेयर से कंपेयर करूँ, दोस्तों IRCTC शेयर का जो शेयर प्राइस है वो 820 रुपये का है, और यही दोस्तों रेलटेल का 100 रुपये का है। हालांकि दोस्तों कंपनी के टर्नओवर और मार्केट कैप सबकी बात करें, टर्नओवर यानी दोस्तों इनकी कंपनी की जो डेली की इनकम है उनकी बात करें, तो रेलटेल कंपनी कम ही रहेगी, लेकिन दोस्तों फिर भी दोनों शेयर रेलवे के हैं, इसकी वजह से दोस्तों मैं इनको कंपेयर कर रहा हूँ। बात करें रिटर्न्स की, तो दोस्तों रेलटेल कंपनी में ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिली है पिछले 3 महीने में। 6 मंथ्स की बात करें तो उसमें भी दोस्तों हमको कुछ ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिली, लेकिन दोस्तों दोनों ही शेयर गिरावट में रहे हैं। अगर 1 ईयर की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हो जो 1 ईयर में मैंने आपको बताया था रेलटेल कंपनी गिरावट में देखने को मिली, लेकिन दोस्तों इनका ग्राफ बिल्कुल थोड़ा कम ही नीचे गया, इतना खास नीचे नहीं गया, और IRCTC कंपनी में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला। बात करें दोस्तों 5 साल की रिटर्न की, तो दोस्तों उसमें भी IRCTC ने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिए, लेकिन दोस्तों इनका जो मेन डिफरेंस रहने वाला है वो शेयर प्राइस का रहने वाला है। जहाँ आप 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो, वहाँ दोस्तों आप 800 इन्वेस्ट करोगे। यानी दोस्तों अगर आप IRCTC ना खरीद कर रेलटेल खरीदें, उसके बदले आप 8 शेयर कंपनी के खरीद सकते हो। बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप्स की, तो दोस्तों रेलटेल कंपनी का 3,240 जो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन दोस्तों IRCTC कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 65,000 करोड़ रुपये का है। एम्प्लॉयज़ की बात करें तो 468 रेलटेल में काम करते हैं और 1372 IRCTC में काम करते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे न्यूज़ की, और दोस्तों बात करेंगे टारगेट वैल्यू की। रेलटेल कंपनी पुराने मैकेनिकल सिग्नलिंग सिस्टम को चेंज करके अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को लगवाना चाहती है, इसलिए दोस्तों कंपनी ने 224 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। कंपनी का मानना है कि वह अपना आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को ऑन करके, ताकि दोस्तों उनका जो स्पीड है कम, जो उनकी सर्विसेज है वो ज़्यादा हो जाए, इसके वजह से इन्होंने अपना ये इन्वेस्टमेंट किया है। और दोस्तों ये जो वर्क है वो उनका एंड द प्रोसेस चल रहा है, और दोस्तों उन्होंने कुछ कुछ जगह पर ये कंप्लीट कर दिया है। बात करें दोस्तों उन जगहों की जहाँ पर ये लगने वाला है, तो दोस्तों 26 स्टेशनों का परिवर्तन किया जाएगा, जिनमें से 3 दिल्ली डिवीज़न में है और 9 अम्बाला डिवीज़न और 14 है फिरोजपुर डिवीज़न में। यह आधुनिक टेक्नोलॉजी ट्रेन ऑपरेशन की सुरक्षा में दक्षता को बढ़ाएगी। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इससे जो फ़ायदा होने वाला है, दोस्तों इससे जो फ़ायदा होने वाला है वो ये है कि पुराने सिस्टम में वर्तमान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की कम गति से चलने वाली ट्रेनों को नए सिस्टम में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मिल जाएगी। दोस्तों आप सोच सकते हो दोगुने से भी ज़्यादा स्पीड बढ़ने वाली ट्रेन की, जहाँ कोई 50 किलोमीटर पर चल रही है वो अब 110 पर चलने वाली है। तो दोस्तों ये तो हो गई न्यूज़। अब दोस्तों बात करेंगे टारगेट वैल्यू की।
दोस्तों इस न्यूज़ के आने के बाद ICICI सिक्योरिटीज़ ने इस शेयर पर बाय कॉल रेटिंग देते हुए 130 रुपये का टारगेट वैल्यू बता दिया है। सिक्योरिटीज़ का कहना है कि इस शेयर में हमको 130 रुपये तक का वैल्यू देखने को मिल जाता है शॉर्ट टर्म पीरियड में। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपकी न्यूज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।